4 and 6 ये वाले पार्ट आपने करें। अच्छा, तो पहले पार्ट से मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा बड़ा भी चैप्टर है, घबरा तो नहीं रहा? ओके, भाग्य बड़ा बलवान ऐसा भरतराम क्यों कहता था? नाग देवता ने भरतराम को कैसे धनी बनाया? रोजाना एक सोने का सिक्का देकर नाग देवता ने भरतराम को धनी बनाया। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना है, किसी लालच नहीं करना है। ओके, सही गलत, भरतराम कहता था भाग्य सबसे शक्तिशाली है। रॉन्ग है। सभी को छड़ी देने के बाद काजी क्या बोला? सभी को छड़ी देने के बाद काजी बोला, आप सब छड़ियों को अपने अपने घर ले जाएं और कल सुबह वापस ले आएं। तीसरा पार्ट भी करा आपने, समझदार बंदर। बंदर निडर होकर जंगल में क्यों घूम रहा था? बंदर निडर होकर जंगल में इसलिए घूम रहा था क्योंकि उसके पास एक थैला जिसमें शीशा था, इसलिए वो निडर होकर घूम रहा। बंदर की चतुराई देखकर शेर ने क्या सोचा? बंदर की चतुराई देखकर शेर ने सोचा, यह बंदर तो सचमुच बहुत समझदार और चालाक लग रहा है, इससे लड़ना बेकार है। वेरी गुड, कुछ बताइए आप इसमें से किसने वाक्य कहे? तेरे जैसे को तो मैं अपनी थैले में रखता हूँ। बंदर ने। मैं सबसे ताकतवर हूँ। बंदर ने। ओके बेटा, वेरी गुड, कमिंग कमिंग।